नेक्स्ट सिटी आएगी उस नेक्स्ट सिटी में समय पे करना है और फिर हमें एंट्री मिलेगी। ये हर सिटी क्रॉस करने के लिए टोल है यहाँ पे पुर्तगाल में, तो नेक्स्ट जो सिटी आएगी उसमें हमें पे करना है। क्या खेल रही है? रॉक पेपर सीजर खेल रही है। खेल के दिखा दे। हम यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे रुक के हम थोड़ा लंच करेंगे और लंच मैं घर से बना के लेके आई हूँ। और ये कार है जो हमने रेंटल पे ली है, देख सकते हैं आप। और ये बाहर का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आसपास में छोटे छोटे विलेजेस होंगे। यहाँ पे खाने के लिए थोड़ा सा रुके हैं और बेंचेस लगे हुए हैं यहाँ पे और कैफेटेरिया भी है यहाँ पे। और वेदर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है आज, ज़्यादा ठंड भी नहीं है बाहर। ये मैं बना के लाई हूँ घर से वेज फ्राइड राइस। टेस्टी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ना हर जगह ब्रेड आइटम मिलते हैं और वो ब्रेड आइटम तो बिल्कुल भी खाए नहीं जाते बार बार। सैमी है ये। ये सैमी है और सैमी को खाना नहीं खाना होता, इसको हमें जंक फूड खाना होता है। और सैमी ने सारा खाना खत्म कर दिया और सैमी है गुड गर्ल। पीस भी खा लिया सैमी ने। अरे वाह। और फ्रेंड्स हम लोगों ने लंच कर लिया है, अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं क्योंकि हम लोगों ने जो है ना कोई अपार्टमेंट या होटल बुक नहीं करवाया है। डिपेंड करता है कितनी दूर तक ड्राइव करते हैं, अगर टायर्ड हो गए तो फिर हम लोग वहाँ पे जाके होटल बुक करवा लेंगे या अपार्टमेंट बुक करवा लेंगे। वैसे तो हमारा टारगेट है कि हम लोग स्पेन तक पहुँच जाए, बट डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है 4:30 और अभी थोड़ी देर में शायद 1.5 घंटे के बाद जो है ना सनसेट हो जाएगा और नाइट हो जाएगी। नाइट में ड्राइव करना थोड़ा सेफ नहीं है,
लेट्स सी कहां तक पहुंचते हैं हम लोग। फ्रेंड्स हम निकल गए अब यहां से आगे के लिए मंजिल पे, अपनी मंजिल पे देखते हैं किसी देर में पहुंचते हैं। पहले तो हम सुनने सोचा है कि ब्रांका पहुंचेंगे, थोड़ा ब्रांका में देखेंगे सिटी को, उसके बाद आगे निकलेंगे स्पेन के लिए। बट आसार कम ही लग रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है एक डेढ़ घंटे के बाद, और ये दिखा रहा है अभी भी कि हम लोग पहुंचेंगे 1 hour 32 minutes के बाद। फ्रेंड्स ये हम लोग टोल के पास पहुंच गए, उस समय हमने वहां से लिया था ना वो टोल कार्ड, अभी हमें यहाँ पे जो है पेमेंट करनी पड़ेगी और यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। और हमें देना है 4 euro 15 cents, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। पहले वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, वापस से हमें टच करना पड़ा, एक हो गया है। और ये देखिए तो आप गेट ओपन हो गया है और ये उसका रिसिप्ट मिला है हमें, आप देख सकते हो 4 euro 15 cents का, हाँ जो कि काफ़ी महंगा है अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट कितना हुआ 450 या 500 रुपये हुए। अभी आगे हमें और टोल मिलेंगे देखते हैं, आगे टोल आता है नहीं आता।
इतना लंबा ब्रिज है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है, ये टनल आ रहा है। बहुत ही लंबा ब्रिज था, आई थिंक ब्रिज का नाम था ये रियो। अभी तक ये टनल खत्म नहीं हुआ है और बहुत ही लंबा लगता है कि 2 किलोमीटर का ये गली होगा। ये पहाड़ के नीचे से गया हुआ ये टनल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर तक है। फ्रेंड्स अब जाके इसका एंड दिखाई दिया है टनल का, ये खत्म हो रहा है और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद 5 से 6 किलोमीटर तक रहा होगा। देखिए अभी बहुत ही लंबा टनल था, मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में देखा नहीं इतना लंबा टनल। और ये हम लोग निकल गए बाहर।
और ये देखिए स्पेन का यहाँ से केवल 2 किलोमीटर बचा हुआ है, पहुंचने वाले हैं स्पेन के बॉर्डर पे। और ये हम स्पेन के अंदर एंट्री करने वाले हैं, ये बोर्ड आ रहा है स्पेन का। ये हमने एंट्री कर ली स्पेन के अंदर और ये मेरी हो गई 25th कंट्री स्पेन में। और आगे अब सब कुछ स्पेनिश में लिखा हुआ मिलेगा हमें। और आप देख सकते हो रोड भी चेंज हो गई है, अभी केवल ये जो है 1-2 लेन्स की रोड हो गई है। आपने देखा था पोर्टुगल में जो थी वो 6 लेन की रोड थी। फोन का होल्डर और ये हमें पड़ा कितना, 5 यूरो का ना। और ये हमें 5 यूरो का पड़ा है। फाइनली हमें मिल गया होल्डर। पोर्टुगल में तो मिल नहीं पाया था, सारी शॉप्स बंद थी, लेकिन यहाँ पे इस पेट्रोल पंप पे हमें आराम से मिल गया। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हो। और बाहर बिल्कुल भी लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। इसके लिए मैं बोल रही थी कि रात को जो है यहाँ पे ड्राइव करना सेफ नहीं है, बट भी नहीं रहा दूर दूर तक, कोई लाइट्स नहीं है, मतलब जैसे कोई घर वगैरह हो साइड में बने हुए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम कम से कम 60-70 किलोमीटर आ चुके हैं उस पेट्रोल पंप से, और अब जाके हमें कोई शहर दिख रहा है अपने लेफ्ट साइड में, देख सकते हो।
पहुंच गए यहाँ पे और हमें पार्किंग नहीं मिला अपार्टमेंट के पास, तो हमें थोड़ा दूर पार्क करना पड़ा आधे किलोमीटर पे, और अब हम जा रहे हैं अपार्टमेंट की ओर। और ये डोर का की है जो स्टक हो रहा है, बड़ी मुश्किल से डोर को ओपन किया हमने। हम पहुंच गए अपने एयरबीएनबी अपार्टमेंट में और ये है एक रूम और ये है किचन। किचन फुली इक्विप्ड है। और ये है बाथरूम। और एक रूम ये है हमारा रूम। और एक ये रूम है, ये है लिविंग रूम। अपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन जो है इसका डोर खुलने में बड़ा टाइम लग गया, और इसकी होस्ट को जो है प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं आ रही थी बात करने, समझा नहीं पा रही थी वो अपनी बात। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को ये अपार्टमेंट मिला और इसका लॉक ओपन हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, कल मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।